साइड में रख दे, कोई मतलब नहीं उसका। कर ले भाई, ये थाम जरा म्यूचुअल तो मार। Side hero being part of the web series, and you know it's a very unique innovative concept and a very big concept nowadays. So web series, of course, web kafi bada ho raha hai India mein, and I'm so excited that my first release on the web as a part of a series is Side Hero. Bahut hi entertaining project hai. I'm working with amazing actors. Kunal Roy Kapoor is beyond talented. He's amazing. Bahut hi acha entertaining comedy fun and very clever writing in this project. Mera dream tha ki main Rohan sir ke sath kaam karun, Rohan Sippy sir ke sath, and this is my second project with him, but releasing first, so I'm very excited about it. And the fact that I'm working with Eros now, and it's the first original series, bahut hi zyada exciting hai. But the duration is low when it compared to feature films. So what is the, when it comes to potential showing the talent of an actor or an actress, how do you, ड्यूरेशन इज़ नॉट लो एक्चुअली, क्योंकि हर एपिसोड 20 मिनट के ऊपर है. 8 एपिसोड का एक पहला सीजन का सीरीज़ है. इनफैक्ट आई फील इट्स इवन ग्रेटर एंड अ बिगर अपॉर्चुनिटी ऑन द वेब, बिकॉज ऑडियंस बहुत रिपीट वैल्यू होता है उसमें. आप बहुत बार देख सकते हैं, आप उसे अपने टाइम पे अपने समय पे देख सकते हैं. सो काफ़ी प्लस पॉइंट्स होते हैं टू बी ऑन द वेब, एंड इट्स राइट देयर, इट्स फॉर एवरीवन टू वॉच इट एट योर ओन टाइम, कहीं भी, कहीं, वेर एवर यू वॉन्ट. इट्स कन्वीनियंट एंड रियली गुड कॉन्टेंट आउट देयर. अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं. एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हर किस्म के रोल्स ऑफर हो रहे हैं. सो या मैम, टीवी कर लिए, बॉलीवुड कर लिया, वेब सीरीज भी, डिजिटल मीडियम में भी आ रहे हैं, तो खासकर ज्यादा एंजॉय कर, स्टेज भी कर लिया. कहां एंजॉय कर पाते हैं? मैं हर काम में एंजॉय करती हूं. मैं जितना भी काम करती हूं मैं बड़े दिल से करती हूं, और यही उम्मीद के साथ करती हूं कि लोगों को मेरा काम पसंद आए. एंड माध्यम जो भी हो, मीडियम जो भी हो, मुझे हमेशा एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है, वो है प्यार. एंड आई एम गेटिंग दैट, एंड आई वुड ट्राई एंड परफॉर्म वेयर एवर आई कैन. Recently you saw the success of Scared Games, and Rakesh Bhatter. So what do you have to say, the limitations of, when it comes to dialogue delivery or scenes, so that should be a limitation, or when it comes to medium, because it's not censored as such. So what do you have to say? नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए. वेब में ऑफ कोर्स एवरी वन नोज दैट देर इज़ नो सेंसरशिप एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक वही कॉन्टेंट लास्ट करेगा जो फ्रीडम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी दिखाया जाएगा. एंड साइड हीरो इज़ आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट, एंड ऑफ कोर्स सीक्रेट गेम्स हैज़ डन रियली वेल फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स शोन अ वे ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ, गुड कॉन्टेंट विल वर्क ऑन वेब, ऑन ऑल प्लेटफॉर्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टाइम्स, एंड आई एम होप एंड प्रे कि आपको साइड हीरो पसंद आए. बिग बॉस भी आ चुका है, कितना एंजॉय सर? बिग बॉस मैंने एक एपिसोड भी अभी नहीं देखा है, बिकॉज इस हफ्ते, अगर आप पता नहीं, मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं आई बिन एवरीवेयर, बिन इन ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अहमदाबाद, लखनऊ इन दिस वीक. मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है. एज सून एज आई गेट टाइम फ्रॉम प्रमोशन एंड डूइंग अनदर शो, आई विल कैच अप. मैं सारे एपिसोड जितने मिस किया है मैं फिर से देखूँ. जोड़िया तो मालूम हो गया? बिल्कुल नहीं पता. आई हैव नॉट बीन हियर ओनली, मैं यहाँ थी ही नहीं. थैंक यू. Every big producer, directors, being part of the web series scenario. So, this is an interesting space which has been created now for makers, and I think that's a great platform to tell stories. It's high time that we understand this digital platform and go and understand the format and deliver. So, today I'm here for Eros Now, looking out for this digital film. But when it comes to picture film, can it be in the future ever be compared to that medium?
which you have the larger light effect when it comes to, you know, visualization as such? It's a different medium from films, but still I feel that it has got its own space. You have stories which will suit this format, and great for makers, great for viewers, great space to tell stories. Your larger than life project Zero is being released after some months. So what, how is the interest, you know, regarding the project, and what do you have to say, it will bring a different kind of story and scripting kind of, you know, change in the industry as such? I don't know what will change with Zero, but yeah, I'm really excited, and I'm excited that I'll be here with something new, something which I haven't done before, and I'm really looking forward to get that to the audience soon. Thank you. Thank you, sir. सर एक मिनट प्रभात बाजू चलो बाइक पे हाय सो हाउ हैज इट बीन द एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू टू से साइड हीरो व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑल अबाउट आई मीन इट्स कॉमेडी हां तो दिस इज एक्चुअली हाँ तो ये दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट वेब सीरीज़ मैं इसके पहले आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ट्रिपलिंग आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अनदर शो कॉल्ड गोइंग वायरल तो बट आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वेब फॉर्मेट एंड द वेब मीडियम बिकॉज इट इज़ रियली गिविंग आर्टिस्ट अ फ्रेश न्यू प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और वी आर गेटिंग टू डू सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड आई थिंक दैट दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमेडी दैट इज़ रियली पुशिंग the genre a little bit, especially to what we've been exposed to so far. So, and it's also self-deprecating. I'm making fun of myself a little bit. So bahut maza aaya, not only working with Rohan Sippy, but also with Gauhar, with Arjun, with Gopal, a really talented bunch of actors who are all fantastic and have done a great body of work themselves. So mujhe bahut maza aaya ye series banane mein and just be a part of it. Yeah. And sir, Ramesh Shippy Productions, so you know they have made films. I know. What do you have to say about being associated with Ramesh Shippy Productions? I actually have been associated with Ramesh Ji's production house for the last 10 years now. Maine ek film direct bhi ki thi unke liye called The President Is Coming. And Rohan was very, very brave and showed a lot of faith in me to make me direct my first film, The President Is Coming. और उसके बाद नौटंकी साला भी हमने साथ में की थी और वी हैव डन अ फ्यू अदर शॉर्ट फिल्म्स टुगेदर एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड दैट द एसोसिएशन विथ रमेश सिप्पी प्रोडक्शंस हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग एंड फ्रूटफुल वन एंड जस्ट happy that Eros now came on board to and this is their first show and it's very rare ki ek web platform ek comedy ke sath apna you know platform launch kare and I think ki this is a big step for Eros now to launch their not launch the platform but to put out their first original content is a comedy and I think that's great. Okay, sir, so how do you see the digital platform in the future, because many big stars have to debut in a digital platform. I think ki a digital platform is the way in which people want to consume entertainment. The people want to watch now at their own time, at their own convenience. They want content which is also a little bit more evocative, little bit more provocative. So wo sab it's rare that you get to see it on screen पर अपने स्क्रीन पे जो अपने पॉकेट में है वो जो छोटा सा स्क्रीन है और घर पे जो अभी स्ट्रीमिंग के दौरान द स्टफ दैट यू कैन गेट टू एक्सेस ऑनलाइन इज वेरी एक्साइटिंग टू ऑडियंसेस एंड दे कैन वॉच इट एट देयर ओन कन्वीनियंस दे कैन वॉच इट विदाउट हैविंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ टिकट तो आई थिंक इट्स रियली द वे आई मीन इट्स अ वे फॉरवर्ड. Okay, you also debuted in our social media, also the Instagram. I know. So how was the response? Well, the response has been good. The following is small but growing. I mean, I'm still getting a hang of it. I don't know exactly what I'm doing, but it's going to take me a little while to get the hang of it. अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या दबाना है कहाँ से क्या मुझे कुछ ठीक ढंग से even Twitter I've been on it for a while पर Twitter भी मुझे I mean I haven't tweeted a lot so social media is one thing that I need to get my head around. Yeah, okay. Thank you. Thank you. No, I mean talk about it on every year.
it's very noticeable. But what about the commercial side? When you talk about the commercial side, when it comes to picture films, you know, larger than life and huge money involved in it. So how beneficial is making a web series, a filmmaker, a producer? That is a very big question. But I think the point is, I think when Dada Saheb Phalke started making cinema, I don't think he was thinking about the commercials of it very big hoga. I think you get excited because ek naya opportunity hai ki aap karodon log tak pahunch sakte ho immediately. Humne July, August mein shooting ki aur September mein audience tak pahunchayenge, ye to film mein possible hi nahi hai. To har naye technology aur har naye madhyam se you get exciting new thing, and there are definitely more phones in India than cinema screens. So hopefully ye medium ki popularity sabse zyada hogi, and let's hope hum log achhe stories isme bana sakte hain and audiences will be entertained. But newcomers ke liye kitna best platform hai ye digital media? I think definitely जैसे YouTube जैसे platforms है, newcomers को opportunities मिलते हैं, and at the same time हम देख रहे हैं कि बड़े stars भी interested है. I think दोनों के फायदे हैं, newcomers के लिए entry मिलती है, and star के support के साथ ये platforms अपने viewership काफ़ी बढ़ा सकते हैं और medium को भी और notice और attention मिल जाएगी. तो I think इंटरनेट ने हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट को बदल दिया है, तो मीडिया भी बदलेगी उसके साथ. सर, व्हाट इफ सर कुणाल राय कपूर हिज कॉमिक टाइमिंग एक्सीडेंट एंड व्हाट अदर एस्पेक्ट व्हिच जो अब वो कुणाल राय कपूर मैं मतलब 10-12 साल से मेरे दोस्त और कॉलीग रहे हैं, तो ये जब आइडिया हमें सूझा था तो इमीडिएटली उन्हीं के साथ डिस्कस कर रहे थे और क्रिएटिव एक्साइटमेंट बढ़ गई. एंड जैसे आपने कहा उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है, साथ साथ में वो एक बिल्कुल एक क्रू मेंबर की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह कभी वो एक तो बहुत वो एनर्जी का बहुत फ़ायदा होता है जब आप एक शो करते हो जिसमें आप 8-10 मिनट फुटेज निकाल रहे हो हर रोज़, काफ़ी स्पीड से काम करना पड़ता है. तो उस वक्त इट्स डेफिनेटली ग्रेट टू हैव गाइज लाइक कुणाल, गोपाल, गौहर, सब ने बहुत बहुत अच्छा काम भी किया और मिलजुल के बहुत अच्छे स्पिरिट से काम किया. Thank you. मेरा मेरे को ले रहा हूँ ना बोल इतनी सारी हिट्स गाने गाए तो कैसा अभी तक और कितना चैलेंज फेस करना? अभी तो शुरू हो रही है जर्नी. अभी गाने तो गा रहा हूँ लेकिन आई थिंक अभी एक्टिंग की भी जर्नी शुरू हो रही है. ये मेरी पहली शो है. देयर इज another movie that's coming out on the 12th of October, but this is my first ever acting debut actually. This is for me. So bahut maza aaya shoot karte Rohan Sippy ke sath, aur Kunal is an amazing actor. Bahut maza aaya, bahut hansi aayi. It's such a funny script, you guys have to watch it just for Kunal because he has done an amazing job. And it was lovely acting opposite Gohar. She's also beautiful, so I had a blast. Do you want more emphasis on the singing career or the acting career? What is your priority? Oh, तभी पता नहीं, बहुत जल्दी है. I don't know right now. शायद acting कर लूँगा, शायद singing कर लूँगा, दोनों की इच्छा तो है. What is a plus point that you are multi-talented, you know, being a singer as well as an actor? So how do you think you will carry forward your career? मुझे अच्छा काम करना है, जो भी अच्छा काम आए तो मैं करूँगा, singing हो या acting हो, I just want to do good work. And besides this project, working on any singing project or film project? अभी मेरा एक अगला गाना आएगा नवंबर में, और I'm in a film called Jalebi which is releasing on October 12th, so you can see me in that. Thank you.